कह दो जय माता दी, एक बार सारे कह दो जय माता दी। किस्सा सुना रही हूं मैं एक गरीब का, चमका नसीब कैसे उस बद नसीब का। एक माँ की पुजारिन थी, माँ की बहुत पूजा करती थी। ये भेंट को कितने भक्त सुन रहे हैं, बस पीछे वाले बता दो जरा, पीछे वाले भक्त सुन रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। बस हाथ नीचे कर लो, कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। सारी रात हो गई, दे ताली, सारी रात हो गई काली, समझ में नहीं आया क्या हुआ था। सुनिए बस सुनिए, किस्सा सुना रही हूँ मैं एक गरीब का, चमका नसीब कैसे उस बद नसीब का। एक माँ की पुजारी थी, माँ की बहुत पूजा करती थी, लेकिन चाचा जी उस पे कोई संतान नहीं थी, बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन माँ के दरबार आती है, कैला मैया के दरबार। कह दो कैला मैया की। भाई साहब जरा बैठा दीजिए, राम राम। आप तो चिच्चे सुनने वाले, बैठ जाओ, भाव खत्म हो जाता है फिर। एक दिन माँ के दरबार आती है वो संतनी, एक दिन वो संतनी माँ के दर पे आ गई, कहाँ ही कैला के दरबार, जिसका आज इसके दरबार में आके तुमने ये दरबार बना दिया। बजाओ ताली सागरा मंडल वालों के लिए, श्री राम हनुमान मंडल वालों के लिए, बोल सच्चे दरबार की। एक दिन वो संतनी माँ के दर पे आ गई, दिल की कहानी रो रो के माँ को सुना रही। माँ मुझे भी एक संतान दे दो, माँ मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। जब मैं अपने घर से निकलती तो लोग मुझे बांच कहते हैं, माँ कोई मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करता, माँ मुझे भी एक संतान दो, मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। रो रो कर माँ से कहती है, रो रो के माँ से कहने लगी, क्या मेरा कसूर, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी दूर, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी दूर, क्यों गोद मेरी खाली रहमत से तेरी दूर। माँ मुझे भी एक लाल दे दो मिया, मुझे भी कोई माँ कहने वाला हो। सबकी समझ में आ रही है बेट? माँ क्या कहती है कैला मैया, कि बेटी मैं तुझे लाल तो देती हूँ, मैं तुझे राम राम भाई साहब, बड़े भैया जय माता दी। माँ कैला क्या कहती है, बेटी मैं तुझे लाल तो देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तेरा लाल एक साल का हो जाए उसको दरबार में लेके आना होगा तुझे। बोल कैला, देखिए इस माँ की कृपा। 9 महीने बाद हुआ उसके घर में वो जाना, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला। ये दरबार ऐसा है, इस दरबार में मांगने वाला होना चाहिए, सब कुछ मिलता है इसके दरबार में। कि आज है उसे जी कर देख, कल है उसे भूल कर देख, तेरा मुकद्दर अपने आप सवर जाएगा। एक बार मेरी कैला मैया को मन में बसा के तो दे, वो सच्चे दरबार की जय। 9 महीने बाद हुआ उसके घर में उजाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला, लेने लगा गोदी में लाल उसके उछाला। एक बात बता दू, लाहुलिया पर तो बहुत पैसा आता हुआ देखा है, आज सुनने पर भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आगरा वाले भक्तों का। तो अपने पति से कहती है, स्वामी आज मुझे ये बेटा मिला है, किसकी कृपा से मिला है, माँ की कृपा से, तो मुझे कैला मैया के दरबार जाना है। तो देखिए चैत के महीने में जब नवरात्र आते हैं तो आगरा से नंगे नंगे पैर कैला करौली धाम आ रही है। सुनिएगा किस तरह से आ रही है। ले लाल कैला मैया के दरबार चल पड़ी, माता भी उसको राहों में अजमाने चल पड़ी। माँ ने सोचा ये मेरी परम भक्त है, ये मुझे बहुत पूछती है, आज इसकी परीक्षा ली जाए। कभी कभी माँ अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा लेती है, जिन पर ज्यादा कृपा होती है इसकी उन्हीं की परीक्षा लेती है। कह दो कैला मैया की। ले लाल कैला मैया के दरबार चल पड़ी, माता भी उसको राहों में अजमाने चल पड़ी। चलते चलते वो बेचारी इतनी थक गई कि रास्ते में पेड़ की छाया में अपने लाल को लेकर एक पत्थर पे सो गई, बैठ जाती है। ठंडी हवा में नारी को नींद का झोंका आ गया, गोदी से छूटा लाल वो पत्थर पे जा गिरा, गोदी से छूटा लाल वो पत्थर से जा गिरा, गोदी से छूटा लाल
मुझे लाल दिया माँ, ना दिया, एक बराबर कर दिया। जब ये लाल तुझे लेना था तो मुझको क्यों दिया माँ, मुझे क्यों दिया? मैं लुट गई, बर्बाद हुई तेरे भवन में, पर आज ना आने दूंगी मैं अपने वचन में, पर आज ना आने दूंगी मैं अपने वचन में, पर आज ना आने दूंगी मैं अपने वचन में। माँ मेरा लाल जीवित नहीं है, कैला भैया जीवित नहीं है लाल। इसका मतलब ये नहीं है कि इस लाल को घर वापस लेके जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, घर लेके नहीं जाऊंगी। जीवित नहीं है लाल, मरा ही चढ़ाऊंगी, पर कैला मैया मैं वचन अपना निभाऊंगी, पर कैला मैया मैं वचन अपना निभाऊंगी, पर कैला मैया मैं वचन अपना निभाऊंगी। पत्थर से उठा लाल को सीने से लगाया उस्मान ने, पत्थर से उठा लाल सीने से लगाया, ले जाके कैला भैया के चरणों में लिटाया, ले जाके कैला भैया के चरणों में लिटाया, ले जाके कैला भैया के चरणों में लिटाया। कह दो कैला भैया, चरणों में लिटाते ही वो बेहोश हो गई, बच्चे की मौत से वो ख्यालों में हो गई, सपनों में महाराज राय श्री कैला भैया आती है और कहती है, बेटी अगर तू अपने लाल को जीवित चाहती है, इसी वक्त अपना शीश काट के मेरे चरणों में चढ़ा दे, तेरा लाल जीवित हो जाएगा। माँ ने कहां से कहां परीक्षा दी, माँ बोली अगर चाहती तू जीवित अपना लाल, शीश काट दे तू अपना ना देर कर तत्काल। बस इतना ही सुना था उसको होश आ गया, बच्चे को देखते ही उसको जोश आ गया, बच्चे को देखते ही उसे जोश आ गया, बच्चे को देखते ही उसे जोश आ गया। धन्यवाद। बाकी में सुनने वाले भक्त हैं आज, और ऐसे भक्त मुझे रोज मिल जाए तो बड़ा आनंद आता सुनाने में। हमारी गजल अभी सभी से लूंगी, टेंशन मत लो। देखिए उसको होश आ गया, बस इतना ही सुना था उसको होश आ गया, बच्चे को देखते ही उसको जोश आ गया। कहने लगी मेरी कैला मैया ने मुझसे सपनों में आके ये कहा है कि मैं अपनी जान को गवा दूंगी तो मेरा लाल जीवित हो जाएगा। माँ तो माँ होती है, माँ कभी ये नहीं जानती कि मेरा लाला मुझसे दूर हो जाए, खत्म हो जाए कुछ भी। माँ तो ये कहती है कि मेरी भी उम्र मेरे लाल को लग जाए। कहते भी हैं कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की बात भगवान से भी नहीं टाली जाती। अरे पांच पांच बेटों का पेट पाल लेती है माँ घर घर बर्तन मांझ के, लेकिन बहू आने पर पांच बेटों से एक माँ पाली नहीं। सच्चाई है बातों में, बजा दो ताली, सुनिएगा। बचपन में हम ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे, और कोई मजाक भी करता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोलियां खा खा कर नींद नहीं आती, पहले तो हम माँ की लोरियों पर ही सो जाते थे। क्या करती है वो माँ कि मैं अपनी जान को गवा दूंगी, अपनी लाल की जान को। शुक्रिया भाई जान, आनंद आ रहा है, सही से बताना। शीश काटने के पास से तलवार तान ली, शीश काटने के पास से तलवार तान ली, और जैसी होती है काटने वाली प्रकट हो जाती है कैला रानी। थी काटने ही वाली प्रकट कैला रानी, थी काटने ही वाली प्रकट कैला रानी, थी काटने ही वाली प्रकट कैला रानी। बोल कैला भैया की जय। आप नहीं बोलूंगी, सारे बोलेंगे। बोल कैला माता ने पढ़ के संतनी को गले लगाया, बेटी क्या करने जा रही, मैं तो तेरी परीक्षा दे रही थी। अमृत का दिया छींटा उसका लाल जिलाया, माँ ने अमृत का छींटा दिया उसके लाल को जीवित कर दिया। माँ ने क्या कहा कैला मैया ने, माँ बोली तू सच्ची, तेरा ये लाल है सच्चा, सच्चों के लिए है मेरा दरबार भी सच्चा, सच्चों के लिए है मेरा दरबार भी सच्चा, सच्चों के लिए है मेरा दरबार भी सच्चा।
लगन जगन की देखो काम कर गई उस नारी की कथा इस जग में अमर हुई। शुक्रिया। बाकी में आगरा वाले भक्तों ने कमाल कर दिया, मुझको आशीर्वाद देके माला माल कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, जरा पीछे से आशीर्वाद ले। दरबार में शेरों वाली के तकदीर मनाई जाती है, तकदीर मनाई जाती है, तकदीर मनाई जाती है। हाँ जी, चार लाइनें और सुना दूं? बोलो सुना दो। ये बोलेंगे भाई, सुनाओ क्या बात है भाई। ये श्री राम हनुमान भक्त मंडल है। बोल सच्चे दरबार की। शुक्रिया। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो। अच्छा ये बताओ कि भक्त प्रहलाद का नाम किस किसने सुना है? अगर एंड में ताली ना बजा बजाओगे आप जरूर, तो मेरा नाम ममता भारती नहीं, पक्का। अरे पहले मत बजाओ, बात तो सुन लो। पहले के भक्त कैसे हुआ करते थे? भक्त प्रहलाद का नाम सभी ने सुना। चाचा जी, अंगद जी, राम राम। प्रहलाद ने अपने भगवान को पाने के लिए पिता का त्याग कर दिया था, सही बात है, हरणाकश्यप का। प्रहलाद छोड़ा ताते श्री भगवान के लिए, विभीषण छोड़ा भ्रात श्री भगवान के लिए, मीरा तजो भरतार श्री भगवान के लिए, नरसी तजो परिवार श्री भगवान के। मीरा ने अपने पति का त्याग कर दिया था, नरसी ने परिवार का। ओ भरत भगवान कैसे खुश होंगे, और क्या छोड़ा है हमने इस भगवान के लिए। हमने कलयुग में रहकर के छोड़ा क्या है? अब ये सुनो, भजन पूजन करना कराना छोड़ दिया ना के बराबर, सत्य पे चलने का फैशन पुराना, सिनेमा जाते हैं मंदिर में जाना, गीत फिल्मी गाते हर गान गाना। आज मूवी कौन सी आई है जो दिखते हैं? सिनेमा जाते हैं मंदिर में जाना छोड़ दिया, गीत फिल्मी गाते हर गान गाना छोड़ दिया, मांस खा लेते हैं प्रसाद खाना, और पीते हैं पौआ घी दूध खाना। मैंने क्या कही थी? ताली अपनी आप बजाओ। और मनाते पत्नी को माँ को मनाना छोड़ दिया, तो छोड़िए भरत अपनी बताए, हमने तो माँ भक्ति में सारा जमाना छोड़ दिया। भाई मेरे साथ कौन कौन जमाना छोड़ना चाहता है? भालो दो हाथ और ताली बजा के। चलो बुलावा आया है, अरे चलो बुलावा आया है, मिलकर भंडार भरेगी माँ कैला रानी, चामुंडा रानी। ऐसे देख रहे टीवी चल रही है, ताली बजा लो। सारे बोलो और मिलकर बोलो, माँ कैला रानी, माता दी, जय माता दी। कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ संगत देखो अपने माँ, चलते जाओ बना लो। चलो बुलावा आया है, अरे चलो बुलावा आया है, माता वैष्णो के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, जो रोते रोते जाते हैं, हंसती हंसती आके रोते रोते जाते हैं। Hey, hey, hey.
बस एक बार हाथ उठाओ, फिर बार बार हाथ नहीं उठवाओ आपसे। इस साने का रंगा कहना, इस साने का रंगा जोरदार ताली मंगता जी के लिए, जोरदार ताली। प्रसन्न मंगता जी यहाँ पे।